हेलो दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों मेरा नाम है नुरुल अंसारी और आप देख रहे हैं मेकन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे जैसे कढ़ाई मशीन है और उसमें टेंशन स्प्रिंग खराब हो गया है तो कैसे लगाते हैं, क्या तरीका होता है लगाने का। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि उसको लगाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अच्छे से नहीं लग पाता है। तो इस वीडियो में आप लोग बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखिए और सीखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये कढ़ाई मशीन है और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, लेकिन आप लोग बोलेंगे भाई ये तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, अब तुम इसमें क्या बताओगे, इसमें क्या सिखाओगे। तो देखिए बिल्कुल हम आसान तरीके से इसको खोलेंगे। अगर आपकी मशीन में अगर ये टूट गया है तो कैसे खोलेंगे, खोलने का भी सही तरीका होता है। अगर आप अच्छे से नहीं खोलेंगे तो ये आपका टेढ़ा भी स्प्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो पिन टाइप का ये ऐसे ये एक वाशर टाइप का लगा हुआ है, उसको अच्छे से नहीं निकालने तो टेढ़ा हो जाएगा, फिर आपको ये पूरा सेट ही लगाना पड़ेगा। तो ये भी तरीका होता है निकालने का आसान तरीके से। हर एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, कोई भी काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। जानकारी रहेगी तो आप आसानी से अच्छे से करेंगे, जानकारी नहीं रहेगी तो फिर ऊपर ऊपर ही आप काम करेंगे और काम अच्छा नहीं होगा। तो देखिए हम कैसे खोलते हैं, क्योंकि खोलने का तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे खोल देना है। जैसे इसको लगाना है तो हमने इसको खोल दिया, इस स्प्रिंग को हटाना है और ये जो थाली है इसको हटाना है, निकालना है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है अंदर वाला है ऐसे इसको निकालना है, और ये जो स्प्रिंग है ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालेंगे ये टेढ़ा भी हो जाएगा। पहले इस स्प्रिंग को ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे ऐसे निकालना है। यहाँ इसको पहले अंदर करते हैं और इसको पहले ऐसे बाहर कर लेना है। यहाँ देखिए ये हो गया बाहर, अब इसको ऐसे खींच लेना है। यहाँ देखिए ये आपका निकल गया। बहुत सारे मशीनों में क्या होता है, ये जो यहाँ देखिए ये जो ऐसे ये सुराख बना हुआ है, ये सुराख नहीं होता है। तो ये सुराख बहुत अच्छे के लिए ही होता है, अभी हम बताते हैं। और यहाँ पे जैसे कि खराब हो गया तो इस स्प्रिंग को निकालिए, और ये जो आपका टेंशन है ये जहाँ सेट है बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको इसको सेट करना है, लगाना है, लेकिन मालूम नहीं है। तो देखिए अब क्या करना है, जैसे कि इस तरह से आपको किसी भी दुकान से शॉप से ऐसे स्प्रिंग लाना है, स्प्रिंग का कैप, तो इसमें स्प्रिंग ऐसे पहले ये सेट हो जाता है और इसके साथ में इसको लगाना है इस रॉड के अंदर, तभी ये अच्छे से लग पाएगा। तो यहाँ पे ये जो सुराख है बहुत सारे मशीनों में इसका कैप में ये सुराख नहीं होता है, तो ये सुराख ये लॉकर है, ये लॉक कर देता है इस स्प्रिंग को, तो ये अच्छे सेट होता है, कभी भी इधर उधर ढीला नहीं होता है। लगाने के बाद हमेशा ऐसे ये काम ही करेगा। अगर ये सुराख किसी में नहीं रहेगा तो जैसे ये काम कर रहा है तो किसी किसी में काम नहीं करता है। तो यहाँ देखिए आपको कैसे लगाना है, ये जो सुराख है इस तरह से यहाँ पे इसको अंदर करिए ऐसे। यहाँ देखिए यहाँ पे ये अंदर ऐसे कर लेना है, ऐसे घिस लेना है, देखिए नहीं लग रहा है, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे लगाइए और यहाँ से इसको अंदर से घिस के और इस सुराख में आपको करना है। ये जो निकला हुआ है यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे गलत हो गया। देखिए आपको यहाँ पे इसमें इसके अंदर ऐसे लगा देना है। यहाँ देखिए ये आपका लग गया, इसमें ये जो सुराख है इसमें लॉक हो गया। अब ये बिल्कुल अच्छे से ऐसे काम करेगा उसके अंदर लगाने के बाद। यहाँ देखिए ऐसे ये सही है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लगाना है इसमें बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगाने के बाद ऐसे, और ये जो स्प्रिंग है ऐसे नचा के इसके अंदर ऐसे यहाँ पे इसको पहले ही कर लेना है। यहाँ देखिए इसके अंदर ये हो गया, ऐसे काम कर रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है इसका स्प्रिंग जो कैप है इसको अंदर करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये जो स्प्रिंग है ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी मशीन जो सिलाई होगी, सिलाई करते समय कपड़ा सिकुड़ेगा, उसमें सितम आएगा। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा लूज कर देते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं होगा इस स्प्रिंग लगाने से, इसीलिए इस तरह से चेक करना है। अगर ये इस तरह से ना हो तो इसको आपको ये ऐसे नीचे करेंगे, जब ये नीचे करेंगे यहाँ देखिए ये आगे आ रहा है तो ये मतलब टाइट हो रहा है, ये सही है। अब आपको सेम अभी ये आसानी से ऐसे लगा देना है। अभी देखिए लगाने के बाद भी ये कभी कभी ये जो थाली है इसका ये पत्ती है ये रोकता है, इसके वजह से फंसता है। तो क्या करना है अभी देखिए, इसको ऐसे लगा दीजिए और ये जो स्प्रिंग है
ऐसे इसको टाइट कर दीजिए। देखिए हो गया, ये काम कर रहा है। नहीं, किसी किसी में क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है कभी इसमें ज़्यादा फंसता है, ये इसमें, जब ये इसमें फंसे तो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर, स्प्रिंग पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर खींचा जाता है, इसको ऊपर किया जाता है। जब इसको इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आपका काम करने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग भाई बहुत आसानी से स्प्रिंग को लगाना है। हमने कैसे निकाला, कैसे लगाया, इस तरह से आप लोगों को इसे वीडियो देखना है, दो बार तीन बार वीडियो को चार बार देखना है, अच्छे से सीख लेना है, उसके बाद सेम ऐसे ही करना है, आप लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इस तरह से जब ये हो गया तो आप सिलाई करेंगे, बिल्कुल आपकी मशीन सिलाई अच्छी देगी, नीचे का सिलाई फ्रेश देगा, ख़राब नहीं देगा, दाना नहीं देगा। तो इस तरह से बनाइए। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।